चेन्नई बहुत गर्म है और इसलिए मैं ये लगा रहा हूँ आज सनगर्ड SPF 60 PA, क्या क्या लिखा, कल नाइट अराइवल था और आज पहली बार सनलाइट में मैं निकलने जा रहा हूँ अंकल। अगेन हिंदी फिर सब दो नंबर धंधा करके पूरे इंडिया का अंकल, हिंदी फिर राष्ट्रभाषा है ना, राष्ट्रभाषा है ना, ऐसे ऐसे इन लोग बनाए हैं सर। असली क्या है अब कहाँ वाला है? मैं अरुणाचल प्रदेश। हाँ, आप असली का अरुणाचल प्रदेश वाला है। हाँ, तो आप भी हिंदी बोलते हैं? फिर हिंदी भी बोलना है? सब हिंदी नहीं बोलते बोला तो दोस्ती कर रहे हैं? नहीं, दोस्ती नहीं है। आप तमिल में बोलेगा, मैं तमिल में बोलने का कोशिश करूँगा। वो अंकल जो जरूर मजाक कर रहा था, लेकिन तमिलनाडु में पिछले 70 ईयर्स से हिंदी को यहाँ राष्ट्रभाषा नहीं मानते हैं और अपना स्टेट में भी स्कूल में हिंदी पढ़ाने नहीं देते हैं। यहाँ प्राइवेट स्कूल और ट्यूशन के जरिए से लोग हिंदी सीखते हैं, ये बहुत गलत बात है। ये गली है, ये लेफ्ट साइड, ये बिल्डिंग में मैं बैठा 8 फ्लोर में PG है। कल रात यहीं में लैंडिंग हुआ। ऑल इंडिया परमिट है टूरिस्ट, तो इसके साथ आज हम लोग घूमेंगे, समय बिताएंगे। लोटा, आपका गुड नेम अंकल? देवेंद्र। देवेंद्र, ओके, हैव ए नाइस डे देवेंद्र दा। थैंक यू सो मच। तो कहाँ कहाँ आज घुमाएंगे आप? आज घुमाएगा महाबलीपुरम, स्ट्रगल स्टोरी नेचुरल। महाबलीपुरम। महाबलीपुरम वो क्या है? इसका मैं बताएगा स्टोरी शॉर्ट में। 1500 ईयर्स। ओके, 1500 ईयर्स बैक। अच्छा, सोडा पांड्या सेरा, ये पुराना जमान में वो किंग था, राजा अकल था। क्रोकोडाइल बैंक। अभी 10 बजे में हम लोग निकल रहे हैं और ये टैक्सी एक दिन के लिए 2600 रुपया रिजर्व किए हैं और 5-6 जगह ये दिखाने का। पंचरदम। पंचरदम क्या है? मतलब एक ही जगह पर 5 स्टैचू। ओके ओके, पंच मतलब 5 यस, रदम मतलब स्टैचू। और नरेंद्र मोदी दोनों वहाँ बैठ के जो फोटो खींचा वही। ये कौन से फ्लैग है? DMK। DMK, यहाँ का पॉलिटिकल पार्टी का। पॉलिटिकल पार्टी का बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। देखिए ये फ्लैग ऐसा नहीं देखता, ये बहुत बड़ा है। चेन्नई में नहीं है अभी पक्का 100% में 2% है। ये ऊपर में पूरा मेट्रो लाइन है चेन्नई में, मेट्रो में कल भी बताया, चेन्नई में मेट्रो बहुत लेट से शुरू हुआ। टूरिस्ट का बहुत फ्लो है, बहुत अच्छा फ्लो है, कभी बर्फ नहीं देखा है, कभी नहीं देखा। तमिलनाडु में नहीं है? नहीं, तमिलनाडु में नहीं बर्फ। मरीना बीच वगैरह में नहीं है? नहीं, मरीना बीच में बस वो टूरिस्ट प्लेस है ना, बर्फ नहीं है। बर्फ नहीं, बिल्कुल। तो बर्फ बर्फ आप देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? वही बता रहे ना, बर्फ देखने के जाएगा तो कश्मीर जाना पड़ेगा। कश्मीर जाना, कश्मीर, शिमला, हिमालय प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी आपका गांव भी है। हाँ, उधर बर्फ है। तो हमारा अरुणाचल प्रदेश में जैसे कि तवांग है, तवांग मतलब तवांग जो जगह का नाम है। हाँ, तवांग जगह का। हाँ, वहाँ दार्जिलिंग नहीं, दार्जिलिंग दूसरा राज्य में है। ओके ओके, ये टाइटल पार्क ग्लास बिल्डिंग है ना? हाँ, ग्लास बिल्डिंग पूरा IT कंपनी है। वाह, कितना जाइंट है, कितना टाइडल पार्क इधर में लिखा हुआ है। देखिए ये टाइडल पार्क जो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक पार्क है। फैंसी नंबर है ना, VIP नंबर है। मैंने बताया ना, DMK कलंजर करुणानिधि का। अच्छा, वो VIP, वो इसकी
लिए फ्लैग आगे देगा, फ्लैग फ्लैग है ना। अच्छा डीएम के गाड़ी है ना, डीएम का वीआईपी 1 2 3 फ्लैग लगा हुआ हम लोग देखा ना, फ्लैग में वो फ्लैग आगे में देखा वीआईपी गाड़ी ना। ये जगह का नाम है मुक्तिकार। ये जगह हमारा बोटिंग होता है। अच्छा अच्छा यहाँ से बोटिंग होता है, ये ब्रिज है ना। तो ये ब्रिज है, तो क्या बोलूँ कि ये एक लगून है। ये जो गोल गोल करके उड़ रहा है ना, हमारे वहाँ में विंटर में आते हैं, इसको हम पक्कम कहते हैं, ये हंस को। ये स्पेसिस अभी यहीं में भी है, विंटर में हमारे वहाँ में माइग्रेटरी करके आते हैं। वो पूरा बे ऑफ बंगाल का नज़ारा है। एक बार जब सुनामी आया था 2004 में आया था, हाँ तो यहाँ पहुँचा, रोड के ऊपर तक पानी आया था वहाँ। तो सोचो कि इतना बड़ा लहर था होगा, ये देखने में बहुत सामने ऐसा है, सामने है जैसा है, लेकिन बहुत दूर है। 95.3 नॉर्मल है ना। मास्क लगा था, क्रोकोडाइल बैंक में जा रहे हैं। क्रोकोडाइल पार्क में घुस गए हैं, क्रोकोडाइल बैंक में। देखते हैं कितना क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है। बहुत बड़ा है लेकिन ये कुदरत ने क्या क्या चीज़ बनाए हैं, देखिए ना, बहुत सुंदर है। दिखाऊंगा एक सुंदर से पौन, देखिए वही में बिस्किट चिप्स मांग रहे हैं। Okay, how many numbers of crocodiles are there? 2000 total. 2000. This is on the private part. Oh, private. Trust. Okay. Trust. Okay, yes. Trust. So very beautiful. Trust name, please. What is the name? Madras Crocodile Bank Trust. Couples. ये देखिए ये दोनों। ये पूरा धूप में लेजी होके सो रहे हैं। लेकिन बाहर में चोर देगा तो लोग शिकार करते हैं। पता नहीं इंडिया में ये लोग क्रोकोडाइल को इंडिया में खाते हैं क्या नहीं, लेकिन बैंकॉक में तो क्रोकोडाइल का मीट भी बहुत ज़्यादा, मतलब ये है ऑप्शन में है आपका मेन्यू में मिलते हैं। बाप रे बाप, इतना ज़्यादा ऐसा लगता है ये लोग पूरा लकड़ी फेंक के रखा हुआ है, मतलब ऐसा लगता है ये जिंदा नहीं है, सीमेंट से पेंट करके रखा हुआ है। ओह देखो देखो दर, मतलब ये एक चेतावनी दे रहे हैं, मेरे पास मत आना, इसका पूंछ को हिला रहे हैं, आवाज़ सुने होंगे, टक टक करके आवाज़ देते हैं। ये मैटिंग हो रहा है सर, दोनों इसमें मिलन हो रहा है। भाई इसको क्या खिलाता है, चिकन, जिंदा जिंदा डेड चिकन। ओके 5 kg इस क्रोकोडाइल ईट 5 kg चिकन। तो सोचो कितना चिकन खा देते होंगे ये लोग। Sometimes catch the birds also. ये चिड़िया यहाँ खेलता है कभी कभी, उन्हें पकड़ता भी है बोला ये चिड़िया। How many crocodiles are there in this pond? 300. So very big number. ये लोग खाते हैं संडे में 5 kg सिर्फ, उसके बाद 6 दिन फ्री रहते हैं। Reptiles. ये ट्रस्ट चलाते हैं इसलिए यहाँ फिट मी बोल के इसके जवान में थोड़ा सा इसके अंदर में थोड़ा सा इसको फीडिंग कर देंगे। क्रोकोडाइल पार्क के बाद महाबलीपुरम के लिए फिर निकल गए। आप लोग हिंदी क्यों नहीं बोलते हैं यहाँ के लोग? इधर सब्जेक्ट नहीं है ना, स्कूल में सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट क्यों नहीं डाला है सरकार ने? सरकार ने नहीं डाला, वो जनता नहीं मानते है। नहीं मानते। तमिल भाषा को बोलना है, सीखना है तो तमिल को भी सीखिए, लेकिन राष्ट्रीय भाषा को भी सीखिए। राष्ट्रीय भाषा भी सीखना चाहिए था पहले, करुणानिधि था ना, करुणानिधि सीएम जी, वो ने मना किया था। देखिए अपना घर जैसे, अपना निसी ट्राइब का घर जैसे स्कल्पचर देखिए, वाह पूरा पत्थर को काट के बनाते हैं ना ये, पूरा पत्थर से, प्योर पत्थर से। बहुत एक सुंदर से एक कैफे दिखाऊंगा, और हमारे वहाँ का निसी ट्राइब का जो घर है बिल्कुल सिमिलर है। ये देखिए अभी बताइए ना, 4 पॉइंट है,
एक सेल का, एक म्यूजियम का, अच्छा फिश एक्वेरियम है, अच्छा और ये सी सेल म्यूजियम है, मिनी एशियन मिनरल म्यूजियम है, पर्ल म्यूजियम है, मामाला फिश एक्वेरियम, मिनी एशियन, बहुत बड़ा है। दो सेल, सेल हो गए। ये जितना भी देख रहे हैं वो पूरा सेल से बनाया हुआ है, नया नया डिज़ाइन का। देखिए पूरा देखने से ऐसा लगता है ये कोई पेड़ पौधा है, लेकिन वो सेल्स जैसे स्नेल वगैरह से। मिनरल रेनबो डायमंड जैसे, पूरा नेचुरल है पूरा। देखिए हेल स्टोन हमारे निसी ट्राइब में इसका बहुत बड़ा वो है, पुजारी लोग यूज़ करते हैं, हम लोग मौलंग कहते हैं। ये देखने में चित्र जैसे लगता है, लेकिन ये चित्र नहीं, असली ये एक स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ में रख सकते हैं, असली स्ट्रक्चर है, देखने में पेंटिंग जैसे है ना। कैमरा के लिए इजाज़त ली है तो इसलिए इसके बिना आप फोटो नहीं खींच सकते हैं, मतलब यहाँ का इन्फॉर्मेशन आप नहीं ले सकते हैं। ये बहुत यूनिक है। ये एक्चुअली रिसेप्शनिस्ट का डेस्क है। ऊपर में देखिए एक ऑक्टोपस जो पूरा स्पाइडरमैन की तरह पकड़ के रखा हुआ ये पोल को, बहुत सुंदर पेंटिंग है ना। बहुत सुंदर से ये है, वाह इतना बड़ा ऑक्टोपस अगर जिंदा होता तो क्या कर देता, हमको पूरा चिपक के रख देता। फिश मसल्स, ये आपका मसल्स करते हैं, आपका पाँव को यहाँ डुबा के रखना है। और इन लोग को पता नहीं कहाँ से ये लोग ट्रेनिंग लेके आया हुआ, ये मछली लोग डिप्लोमा करके आया होगा। ये देखिए एलिगेटर वाला मछली है, ऐसा लगता है नकली है। साइज क्या है गोका मछली का साइज, सुंदर, हिलता भी नहीं है। अरे थोड़ा हिलिए ताकि मैं समझ जाऊँ कि आप असली है ना नकली है। ओ पूछ हिल रहे हैं, असली है, इसका मतलब ये रेस कर रहे हैं, बोरिंग लग गया होगा। इसका नाम डिस्कस फिश है, इसका नाम जायंट गौरमी है। इधर में ना इधर मैं पहली बार, ये देखिए क्या करने जा रहा है, ऐसा लगता है इलेक्ट्रिक खींच रहा है। ओह माय गॉड ये कैसे रहे, ठीक हो गया कैसे। इसका डेड सेल्स को भी रिमूव करते हैं इन लोग, फिर अपना ब्लड स्टिमुलेट ब्लड फ्लो को इम्प्रूवमेंट लाते हैं, स्पेशली शरीर का आपका ब्लड सर्कुलेशन, और जैसे कि अपने को एक अच्छा अनुभव। मुझे लगा सुबह से शाम तक लोगों का पाँव को ऐसे चबाते चबाते इन लोगों का जबड़ा थक जाएगा और बोरिंग हो जाता होगा, लेकिन ये दीदी बोल रहे ऐसा नहीं है, बोले हमेशा एक्टिव में रहता है, जब भी डाल दो पूरा इकट्ठा करके पूरा यूनाइटी के साथ अपना सर्विस चालू कर देता है। चलो डॉक्टर साहब हो गया मेरा काम। ये पर ऐसे ऐसे बनते हैं पर्ल, कल्चर और पीस का अगर कहानी पीछा करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन समय की कमी है। ये प्रेशियस पर्ल्स विद इन एग्जोटिक सी सेल्स, स्टेज में इसको काट कर फिर पॉलिशिंग करके माला बनाते हैं अंगूठी में।
become a C-cell collector on your own. Pick your shells now. थोड़ा देखने के लास्ट में आप यहाँ से खरीदने आ सकते हैं. ये हमारे कल्चर में रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम लोग इससे देखने के बाद भी थोड़ा बहुत मुश्किल से याद आता है कि इसको कहाँ मैं इस्तेमाल करूँ. जैसे ये 100 रुपया का है. ओके, 100 रुपया का इतना सुंदर सुंदर सजा के रखा हुआ है. हमारे वहाँ पहुँचते हैं लोग अपना अपना दरवाजा में ये सब डाल के रखते हैं 500 में. ये बहुत सुंदर लगा. पैलेस ऑफ पर्ल्स.